नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणीता, श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। बार बार पेट में कीड़े होना, कृमि होना, वर्म इन्फेस्टेशन, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पेट में कीड़े की समस्या सिर्फ छोटे बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी दिखाई देती है। सिर्फ बड़े लोगों की तुलना में छोटे बच्चों में बार बार पेट में कीड़े होने की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों में कफ का प्रमाण अधिक रहता है। दूध, दूध के पदार्थ, चॉकलेट या अन्य मीठी चीज़ें छोटे बच्चे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। यह चीज़ें कफ को बढ़ाती है, इसलिए पेट में कीड़े होने की समस्या बच्चों में अधिक दिखाई देती है। ग्रंथकारों ने इन पेट के कीड़ों का मतलब कृमि का विस्तार से वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया है, तो आज हम इस वीडियो में कृमि के बारे में जानकारी देखेंगे। आयुर्वेद में कृमि के 20 प्रकार बताए गए हैं। इस हर एक प्रकार के कृमि की उत्पत्ति की वजह, लक्षण, उससे पैदा होने वाली बीमारियां और उसकी चिकित्सा, इसका विस्तार से वर्णन ग्रंथकारों ने किया है। लेकिन इसमें ज़्यादा डीप में ना जाते हुए यह समस्या पैदा ही क्यों होती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो शरीर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कपड़े पहनते हैं, जिस जगह पर आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, शौच करने की जगह, यह सब साफ होना चाहिए। तौलिया जैसी अन्य चीज़ें अलग से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बाहरी कारणों से भी कृमि संसर्ग होने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही अग्निमांद्य मतलब पाचक अग्नि कम हो जाए तो भी खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता, इससे अपचन, बदहजमी जैसी समस्या हो जाती है। खाया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं, वो खाना पेट में वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है और कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं, इससे कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। पहले खाया हुआ खाना ठीक से पचने से पहले ही फिर से खाना, खट्टे, मीठे, नमकीन पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना, पिष्टमय पदार्थ, गुड़, गुड़ से बने खाद्य पदार्थ, अधिक द्रव पदार्थ खाना, एक्सरसाइज न करना, दिन में सोना, विरुद्ध आहार लेना, यह सब पेट में कीड़े होने के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं वह खाना, खराब, बासी, दूषित खाना लेना, जंक फूड खाना, अधिक मात्रा में नॉनवेज खाना, दही, दूध, डेयरी के पदार्थ ज़्यादा खाना, सब्जियाँ बिना धोए खाना। कुछ लोगों को कच्ची चीज़ें खाने की आदत रहती है, कई छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत रहती है, कई बड़े लोगों को भी यह आदत रहती है। इन सभी कारणों से बार बार पेट में कृमि होते हैं। पेट में कीड़े होने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में जानकारी लेते हैं। ज्वरो विवर्णता शूलम रुद्रोगः सदनम भ्रमहा भक्त द्वेषोतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम, ऐसे कुछ लक्षण कृमि होने के बाद दिखाई देते हैं, ऐसा माधव निदानकारों ने बताया है। इसका मतलब बुखार आना, त्वचा के रंग में बदलाव आना मतलब स्किन डिस्कलरेशन, पेट में दर्द, हृदय रोग, थकान, चक्कर आना, भूख न लगना और दस्त लगना, ऐसे लक्षण कृमि होने के बाद दिखाई देते हैं। आप जो खाना खाते हैं उससे आपके शरीर का पोषण होना चाहिए, लेकिन पेट में कीड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता। वही कीड़े वो खाना खाते हैं और इसी वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। कुछ बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत रहती है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पेट में कीड़े होने के बाद वे पेट में हिलने लगते हैं और इससे स्पिंक्टर लूज होता है और बेड वेटिंग की समस्या छोटे बच्चों में दिखाई देती है। तो इस समस्या पर विचार करते समय पेट के कीड़ों पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे अपने दांतों के ऊपर दांत घिसकर कट 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 ऐसी आवाज़ करते हैं और उनके मुंह से सलाइवा निकलती है, इसलिए इन सारे लक्षणों में पेट के कीड़ों का विचार करना बहुत ज़रूरी है। पेट के कीड़ों के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। आयुर्वेद में अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, यह तीन चिकित्सा कृमि के लिए बताई गई है। अपकर्षण मतलब कुछ शोधन उपचारों द्वारा शरीर से कीड़ों को बाहर निकालना। इसमें आप बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य
ऐसे पंचकर्मोपचार ले सकते हैं। प्रकृति विघात मतलब कृमिनाशक औषधियों का इस्तेमाल करना, और निदान परिवर्जन मतलब जिन कारणों से कृमि की उत्पत्ति हुई है, अब तक जो जो कारण हमने आपको बताए वो अवॉइड करना, इन तीन स्टेप से कृमि की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। विडंग यह कृमि की सबसे बड़ी औषधि है। विडंग चूर्ण को गुड़, शहद या गर्म पानी के साथ लगभग 5 से 7 दिन तक ले। औषधि शुरू करने से पहले और बाद में जुलाब की दवाई ले। इससे किसी भी प्रकार के कीड़े निकल जाते हैं। यहाँ पर पेशेंट की आयु, प्रकृति, व्याधि अवस्था, इन चीज़ों का विचार करके औषधि की मात्रा और कितने दिन औषधि लेनी चाहिए, यहाँ पर आप यह दवाई वैद्य की सलाह से ले सकते हैं। कीड़ों की दवा लेते वक्त वो मीठी चीज़ों के साथ दी जाती है, इससे उसे खाने में भी आसानी होती है और मीठे पदार्थों की वजह से कीड़े भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और दवाई से वो कीड़े कम हो जाते हैं। सिर्फ अजवाइन देने से भी कीड़े कम हो जाते हैं, या अजवाइन और विडंग के चूर्ण को गुड़ में मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर दी तो किसी भी प्रकार के कीड़ों की तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। पलाश के बीज कीड़े निकालने की और एक अच्छी दवा है। यह लेने के बाद जुलाब की दवा लेने से सारे कीड़े निकलने में मदद मिलती है। हालांकि इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर दस्त और उल्टी होने की संभावना रहती है, इसलिए ठीक से एग्जामिनेशन करके वैद्य की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। सहजन मतलब ड्रम स्टिक, हम सभी को पता है, जिनको बार बार कीड़ों की तकलीफ होती है, फिर वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, उन्होंने सहजन की फली मतलब ड्रम स्टिक या इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खानी चाहिए। सहजन यह तीखे स्वाद का और गर्म तासीर का है। आचार्य चरक जी ने इसका कृमिघ्न गण में वर्णन किया है, इसलिए इसके सेवन से कीड़ों की तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। छोटे बच्चों या बड़े लोगों में दवा लेने के बाद भी कीड़ों की तकलीफ रहती है और बाद में वे लोग अलग अलग बीमारियों से परेशान दिखाई देते हैं, उनके लिए कृमिघ्न औषधियों के काढ़े की बस्ती या चूने के पानी की बस्ती बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को बार बार कृमि की तकलीफ होती है उन्होंने कृमिघ्न बस्ती वैद्य की सलाह से जरूर लेनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।